मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत राशन डीलर के पति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज इस घटना का खुलासा कर दिया है, जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार का ये कहना है कि इस पूरी घटना में चुनावी रंजिश दिखाई दे रही है। निर्दोष लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर उन पर मुकदमे में दबाव बनाकर फैसला कराने के उद्देश्य से राशन डीलर के पति की हत्या कराई गई थी। थाना भोजपुर और एसओजी की संयुक्त टीम ने राशन डीलर के पति सुरेंद्र कुमार की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने हत्या के इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर राशन डीलर के पति सुरेंद्र कुमार की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 4 सितंबर 2021 को भोजपुर थाना क्षेत्र के काफियाबाद में राशन डीलर के पति सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना भोजपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने बिलारी थाना क्षेत्र के गांव हाथीपुर निवासी विनीत कुमार पुत्र सौराज सिंह और डिलारी थाना क्षेत्र के गांव फजलपुर में रहने वाले योगेश उर्फ रिंकू पुत्र लल्लू सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांव काफियाबाद में उदयपाल की हुई हत्या के मुकदमे में आशीष व उनके एक अन्य साथी जेल में बंद है। इस मुकदमे में दबाव बनाकर फैसला कराने के उद्देश्य से मृतक उदयपाल के पुत्र रोहित को व उनके अन्य रिश्तेदार सचिन व जितेंद्र को हत्या के मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से राशन डीलर के पति सुरेंद्र कुमार की हत्या कराई गई थी। पुलिस टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त की गई बाइक और एक तमंचा भी बरामद कर लिया है। देखिए, दिनांक 4 सितंबर को थाना भोजपुर के काफियाबाद गाँव के पास एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया था और क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के द्वारा जो है विवेचना प्रारंभ की गई थी। चूँकि उस गांव में पुराने विवाद भी थे, झगड़े थे और जो इनपुट मिली थी इस घटना का सही अनावरण करने के लिए हमने SPRA साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनाई थी, जिसमें हमारे थाना प्रभारी थे और साथ ही साथ SOG प्रभारी, सर्विलांस सेल आदि भी सभी लोगों ने इसमें काम किया। आज इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता मिली है, जिसमें इस घटना को कारित करने वाले दो अपराधी, जिसमें से एक डिलारी क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा बिलारी क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके पास से वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिस मोटरसाइकिल से इस घटना को कारित किया गया था। साथ ही साथ अवैध असलहे भी बरामद किए गए, जिन असलहों के माध्यम से का उपयोग करके इस घटना को कारित किया गया था। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि जो गांव काफियाबाद है, वहां का एक अपराधी आशीष जेल में बंद है और उसने जो है जेल से प्लानिंग करके अजीत, जो एक अभियुक्त गिरफ्तार विनीत है, उसका ब्रदर है, उसके माध्यम से इस पूरी घटना को प्लान किया है। हम आगे जो है दोनों अजीत और आशीष दोनों के का रिमांड लेकर उसे पूछताछ करके और पूरी जो कहानी में अन्य भी शामिल लोग हैं या इस कॉन्स्पिरेसी में जो अन्य शामिल लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे और बढ़िया काम के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने, पूरी टीम ने करीब 5 निर्दोष लोगों को भी जिसमें नामजद किया गया था और इस प्रकार से इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए उसको बचाया गया है, इसके इस कार्य के लिए DIG रेंज महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये से इनाम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, जो पुराने दोनों अभियुक्त हैं, एक के ऊपर करीब 4 मुकदमे हैं और दूसरे के ऊपर तकरीबन 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट और डकैती के भी हैं। ये दोनों अभियुक्त, जो एक डिलारी और एक बिलारी का रहने वाला है, जेल में मिले थे और तभी से इनकी दोस्ती है और इसलिए दोनों ने मिलकर इस घटना को कारित कर किया है। देखिए, पूर्व में इस गांव में इस प्रकार की घटना चुनाव के समय हुई थी, जिसमें मुकदमा एक मर्डर का दर्ज हुआ था और जिसमें ये आशीष, जिसका नाम प्रकाश में आ रहा है, वो जेल में बंद है। अब पूरी छानबीन जो है उनसे और पूछताछ, डिटेल पूछताछ करने के उपरांत की जाएगी। देखिए, जो अभी तक निकल के आया है, इन दोनों अभियुक्तों ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है वो ये है कि जेल से जो उसके ब्रदर है अजीत, उसने इस घटना को कारित करने के लिए बताया है और इसलिए जब उनसे पूछताछ विस्तृत में होगी तो पूरी जानकारी होगी कि किन किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट